दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये बारह वोल्ट टू एम का एडाप्टर है इस एडाप्टर को रिपेयर करेंगे आज इस वीडियो में ये एडाप्टर टीवी में जो सेट तो बॉक्स होता है उसमें यूज़ होता है और इस एडाप्टर का ये वायर है इस वायर को बाद में जोड़ेंगे पहले इस एडाप्टर को आप लोग देख लीजिए ये, ये एडाप्टर बारह वोल्ट है टू एम पीयर बारह वोल्ट होता है ये एडाप्टर इस एडाप्टर का जो केबल वायर है ये वायर इस वायर को बाद में जोड़ेंगे यहाँ पर अब एक एडाप्टर रिपेयर करने के लिए इसको खोलना होगा कैसे खोलना होगा आप लोग ध्यान से दिखेगा ये एक स्क्रू ड्राइवर है आप लोग देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर लगा कर अंदर डालना है यहाँ पर अंदर डाल के ऐसे ऊपर उठा देना है इसको आसानी से खुल जाएगा आप लोग देख रहे हैं ये खुल गया है आप लोग देख रहे हैं इस एडाप्टर में जो सर्किट है इस सर्किट पर ये दो तार लगा हुआ है ये दो तार ये दो तार पावर सप्लाई का तार है सर्किट के नीचे यहाँ पर ऐसा दिखता है अब इस एडाप्टर को रिपेयर करना है ये एडाप्टर का जो काला तार है ये तार ये जो देख रहे हैं आप लोग ये एक रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अंदर से करेंट सप्लाई होता है ये जो ब्लैक तार है ये ब्लैक तार इस रेजिस्टेंट में ज्वाइन हुआ है ये रेजिस्टेंस फ्यूज जैसा काम करता है इसीलिए इस रेजिस्टेंस को बाद में चेक करेंगे अब इस सर्किट में और एक चीज लगा हुआ है यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये एक है इस कोयल को भी चेक करना है कभी कभी ये कोयल भी डैमेज हो जाता है उसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लू कलर का ये एक पी है इस पी को भी चेक करना है मल्टीमीटर पर सर्किट को अब यहाँ पर रख देता हूँ अब इस मल्टीमीटर देख रहे हो आप इस मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इस सर्किट को आप लोग देख रहे हैं मल्टीमीटर की रीडिंग देख रहे हैं अब मल्टीमीटर से ये जो कोयल देख रहे हैं आप लोग इस कोयल को हम यहाँ पर चेक करेंगे पहले आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में नंबर शो हुआ है ये कोयल ठीक है आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में नंबर शो हुआ है अब इस मल्टीमीटर से ये जो दूसरा एक रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे ये रेजिस्टेंस के पीछे यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर अब इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस खराब हो गया है अब इस रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल के रिप्लेस करना होगा ये रेजिस्टेंस को इस सर्किट के ऊपर और एक चीज़ है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो नीले रंग का है ये एक पी है ये पी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है इसीलिए इस पी को भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर मल्टीमीटर से इस पी को चेक करेंगे मल्टीमीटर की डिस्प्ले में कोई नंबर शो नहीं हो रहा है तो इस पी में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है ये पी एफ बिल्कुल ठीक है अब इस सर्किट में जो लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ख़राब है इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट से निकलना पड़ेगा यहाँ पर सोल्डरिंग करके इस रेजिस्टेंस को निकलना होगा ऐसे आप लोग देख रहे हैं ऐसे सोल्डरिंग करना होगा यहाँ पर और ये रेजिस्टेंस निकल गया फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ इस सर्किट पर यहाँ पर ऐसे लगा था ये रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं अब ये जो खराब रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के बदले में एक दूसरा रेजिस्टेंस लूँगा ये रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इस सर्किट पर इस रेजिस्टेंस को सर्किट पर फिट करने के लिए यहाँ पर ऐसे मोड़ना पड़ेगा इस लेग को आप लोग देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का वैल्यू थर्टी थ्री ओम है अब इस रेजिस्टेंस को सर्किट में यहाँ पर लगाना होगा यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस को फिट कर देता हूँ ऐसे आप लोग देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा अब मैं सोल्डरिंग करूँगा यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर मैं ऐसे सोल्डरिंग कर देता हूँ आप लोग देख रहे हैं अब सोल्डरिंग हो गया यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस बिल्कुल फिट हो गया है पहले वाला जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर ही फिट था यहाँ पर अब इस सर्किट को यहाँ पर फिट करना होगा पहले जैसा ऐसे फिट करने से पहले ये सर्किट का जो कवर है इस कवर में आप लोग यहाँ पर ग्लू यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ग्लू यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर अब मैं इसको फिट कर देता हूँ ऐसे आप लोग देख रहे हैं अब ये फिट हो गया है इस एडाप्टर में जो एक केबुल तार है ये तार आप लोग देख रहे हैं इस तार को यहाँ पर मैं बाद में ज्वाइन करूँगा अब मैं इस एडाप्टर को आप लोगों को चेक करके दिखाऊँगा इस बोर्ड में एडाप्टर लगा देता हूँ अब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ एडाप्टर को अब मैं इस मल्टीमीटर में चेक करूँगा यहाँ पर लगा देता हूँ अब आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में नंबर शो हुआ है आप लोग देख रहे हैं 12.4 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर में अब मैं इस एडाप्टर में ये लाइट चेक करूंगा। ये एक वन एलईडी लाइट है आप लोग देख रहे हैं ये लाइट भी जल रहा है अब मैं स्विच ऑफ़ कर देता हूँ लाइट ऑफ हो गया फिर से स्विच ऑन कर देता हूँ फिर से लाइट चालू हो गया